ये धनी इनको कहीं भी भेज दो, दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, सब्जियां तो ये उगा ही लेती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अपने मौसी के यहाँ पे आई हूँ, घर पे आई हूँ। तो मैं मौसी का बगीचा दिखाती हूँ कि चंडीगढ़ में रह के भी उन्होंने कितनी ज़्यादा सब्जियाँ उगा के रखी हैं, तो बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मेन गेट, चलते हैं आप अंदर। सारा रहा धनिया, ये धनिया उगाया हुआ है इन्होंने। ये सारे टमाटर, टमाटर का पौधा उगाया हुआ है जिसमें छोटे छोटे अभी टमाटर लगे हुए हैं। ये देखो कितने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। और ये आ गया मिर्ची का पौधा, ये देखो मिर्ची। और ये जो दिख रहा है ये बैंगन का है, बैंगन में अभी फूल भी आ चुके हैं। ये अगेन मिर्ची, और ये देसी वाला, नहीं सॉरी पालक है, देसी पालक नहीं है। और ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, दिख रही है छोटी सी मिर्ची, छोटी सी मिर्ची आना स्टार्ट भी हो गई। और इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा है, छोटे 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 पेड़ लगाए हुए हैं। और वो रहे फ्रांस बीन, वहाँ रहा फूल का पौधा। और लोग जाते हुए वहाँ पर भी बैंगन लगाए हुए हैं। और ये शायद शिमला मिर्च है, क्योंकि इसमें जो शिमला मिर्च के बीज का लिफाफा टंगा हुआ है, तो ये शिमला मिर्च के पौधे। ये रहा मेरी मासी का टमाटर का पौधा, ये धनिया, और ये रही कद्दू की बेल। चंडीगढ़ में भी हिमाचल वाला फील। और ये रहा खीरा, जिसमें अभी छोटा सा खीरा पैदा हो गया है। छोटा सा खीरा, एलोवेरा फ्लावर। और ये फौजी अंकल अपनी साइकिल में जाते हुए अपने घर के लिए, उनका मन कर गया है सैंडविच खाने का, तो उसके लिए ब्रेड लेने जा रहे हैं हम दोनों। किसी ने सच ही कहा है, जहाँ पे दो औरतें मिल जाती हैं सुख दुख तो उनके स्टार्ट हो ही जाते हैं, देख लो खुद ही। फाइनली इनका सुख दुख खत्म हुआ और वापिस आ गए ये कबाड़ी वाली भैया, कबाड़ ले लो। तो अब हमें सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें खीरा। खीरे को फटाफट काट लो, उसको कद्दूकस कर लो। और ये जला ली हमने गैस, रख दिया अपना पैन, ब्रेड को पैकेट से निकाल लिया है। और ब्रेड को अब रखेंगे हम तवे पे, तवे पे रख लिया। अब देसी घी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम लोगों के पास देसी घी है, तो हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। और इसमें नमक मिर्ची जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लो। और फटाफट से अब इसमें मेयोनीज़ लगा दो, दोनों ब्रेड में मेयोनीज़ लगा दो। और उसके बाद खीरे को स्प्रेड करके रख दो, देन इसमें चीज़ स्लाइस रख दो, इसके ऊपर दूसरा ब्रेड भी रख दो। और इसको प्लेट से, इसके बाद इसको पलट दो और प्लेट से इसको फिर ढक देना है, ताकि ये और इसकी जो चीज़ें वो मेल्ट हो जाए। और ये दूसरी तरफ हमारी एक और मौसी है, जो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब काम भी करो बातें भी करो। तो ये मौसी भी अब हाई करेंगे हेलो। तो अब है ब्रेकफास्ट का टाइम, और मासी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी सैंडविचेस बनाया है। नवरात्रि लग रहे हैं तो इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है, तो बहुत हेल्दी सैंडविच है। तो इसको खा के देखती हूँ कि कैसे बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये जो आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, कि मेरी दो मासी आपस में चटर पटर कर रही है, तो उसको इग्नोर करके आप मेरी बात सुनना, ओके। और ये रही मेरी मासी की भेजा तोड़ वाली चम्पी। और ये देखो ये दूसरी मौसी अपने कपड़े, वीडियो कॉल पे भी अपने कपड़े दिखाते हैं, दोनों जन सुबह से लगे पड़े हैं। और आज चम्पी करके मेरा टॉप फ्लोर जो है वो हिल चुका है, थोड़े चक्कर वक्कर आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़बरदस्ती चीजी के लिए लेके जाता हुआ, और ये कुछ हैवी ड्राइवर अपने वाहन को ले जाते हुए।
बाल के, आधा किलो कंघी वाले बाल के 1500 बाल भी बिकते हैं यहाँ पे, मैंने भी बेचे हैं, 250 रुपीस मिले थे मुझे अपने बाल बेच के। चंडीगढ़ भी पहुँच गया है बंसु का रिजल्ट बताने के लिए, हिमाचल से स्पेशली आया चंडीगढ़ में, तो इसके पंख वगैरह मतलब कुछ ज़्यादा ही लिख के आई है बंसु इस बार एग्ज़ाम में, बेचारे के पंख वगैरह फ्रैक्चर हो गए हैं। लंच की तैयारी, तो पालक वाले पकौड़े और कढ़ी बनेगी, तो वो पालक देखो कितना फ्रेश फ्रेश पालक, शहर में भी फ्रेश पालक आपको कहाँ मिलेगा, जो हिमाचल की लेडीज़ होती है ना बहुत मेहनती होती हैं, देख लो शहर में भी हरी सब्जियाँ उगा दी हैं, इनको कहीं भी भेज दो, दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, सब्जियाँ तो ये उगा ही लेती हैं। ये हमारे पकौड़े गए तेल में और हमारे पकौड़े हो गए तैयार। खाने के लिए चटाई मैं बिछा लेती हूँ, और ये रही मेरी कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी है। तो अब ले लेते हैं गिलास पानी पीने के लिए, और साथ में अब भरूँगी पानी लोटे में पीने के लिए। तो अब ये मासी ने कढ़ी चावल थाली में डाल दिए हैं, और अब खाऊँगी मज़े से। और जी लो जी, फाइनली वो दिन आ गया जब मैं कढ़ी पकौड़ा खा रही हूँ, मज़े से खा रही हूँ, बहुत यम्मी बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनाए थे, मज़ा ही आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे खा के, और ये हमारी बातें भी और खाना भी साथ में, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे, मतलब भगवान करे रोज़ रोज़ मैं मासी के घर पहुँच जाऊँ और रोज़ रोज़ ऐसा यम्मी सा खाना खाने को मिले मुझे, पीजी के खाने से थोड़ा बहुत तो छुटकारा मिलेगा मुझे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाइयों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मेरे एक्सप्रेशन से आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा मुझे। सब लोग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़, बाय बाय।